देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा एक दर्शन सुचारू पूजा था। देखिए फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं आलू के ब्रेड और ये है ब्रेड का पैकेट। तो आप बड़े भी ले सकते हैं, मैंने छोटे लिए हैं आज। और तैयार मैंने कहा चाहे तो हम जो है इंडक्शन चूल्हे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है गैस पर बना रही हूँ। चार ही साथ बनाऊंगी और उस पर जल्दी बन जाएंगे, उस पर थोड़ा टाइम। तो फ्रेंड्स कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, चलिए फ्रेंड्स बना लेती हूँ। और यहाँ पर घी डालेंगे, थोड़ा सा देसी घी। तो फ्रेंड्स आलू की पिट्ठी में हमने मिला दिए सारे मसाले, मैंने और इस पे ढल देंगे और अब रखेंगे। और यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू की पिट्ठी भरकर और ब्रेड को इस तरह दबाकर रख दूंगी तवे पर। ब्रेड थोड़े ऑयली बना सकते हैं, मैं जो है कम ऑयली बना रही हूँ। बस हल्का सा मैंने घी लगाया है और बाद में ऐसे ही पलट दिए हैं। ये बन चुके हैं, ले चलती हूँ मैं और गैस कर दूंगी बंद। और देख सकते हैं इधर से अच्छे से हो चुके हमारे जो ब्रेड है, सैंडविच बन चुके हैं। आप चाहे तो ऊपर से घी लगा सकते हैं, और एक और बचा है इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा घी। तो देखिए फ्रेंड्स, देसी घी में बनाया है टेस्टी गरम सैंडविच का नाश्ता, और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता। अच्छे से ब्राउन हो गए हैं दोनों साइड से, और इसे भी ले चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो चाय के साथ तो जो नाश्ता तैयार हो गया है, और बजे हैं 7:45। आज लेट जा रहे हैं और मौसम देख सकते हैं आप। और ये इनकी चाय और जो है ब्रेड, और एक इन्होंने खा लिया है। और ये देखिए मेरी चाय और तनिषा की चाय, और नहीं ये मेरी चाय और ये प्रशांत की चाय, तनिषा भी सो रही है। और वो की चाय मैंने ले ली है और प्रशांत गर्म कर रहा है उसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आज का खाना रोटी हमारी गर्म गर्म, और यहाँ पर जो है आल टमाटर सब्जी दही, और प्रशांत जो है मिर्च के साथ ले रहा है, जिसको चेयर चेयर लेगा। मैं प्रशांत है घर पर, और जो है आज खाएंगे धूप में, तो धूप निकली आज कई दिन में। तो फ्रेंड्स मैं और प्रशांत है घर पर, तनिषा स्कूल गई है, विवेक कॉलेज गया है, और यहाँ पर जो है हम खा रहे हैं खाना। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं गर्म गर्म खाना, और धूप भी अच्छी आ रही है तो इसलिए मन लग रहा है यहाँ पर। और नहा लिए हैं, सारा काम हो गया है, मैं सब थोड़े से अपने कपड़े लगाऊंगी, पहले खा लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स हमारा सकरौत का सामान आ गया है, और अरविंद पूजा और आशा आए हैं साथ में, और सारा सामान आप देखिए क्या क्या लाए हैं यहाँ पर। चाय के लड्डू पके, अच्छा घूमने के सर्दी के टाइम में तो जो है टाइम जो है ऐसी बीत जाता है बातों बातों में, काम भी मतलब इतना ज्यादा ना कर पाते, और टाइम गया। फ्री टाइम बस बैठे रहो, बैठे यही सामान आया है सकरात का, और आशा ही है रविंद्र आया साथ ही। अच्छा ये फिर साथ के साथ वहाँ सब पैकिंग के लिए बोल दिए है ना। ये मूंगफली हमेशा मोटी खरीदा है अरविंद, मैंने कही मैंने थोड़ी वैसी मीठी सी करे उनको कम सवाल चाहिए जो बात है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा मेरे भाई बहन और आशा आई है साथ में, और चलिए उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और बाहर थोड़ी आवाज तेज है, इसलिए मैंने वॉल्यूम बंद कर वॉइस मैसेज दे रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चाय बना दी है, और चलिए करते हैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी। और चाय देख सकते हैं उबल गई है अच्छे से, और कच्चा दूध डाला है इसमें, और बहुत ही बढ़िया बनी है। और यहाँ पर मैंने बेसन, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी है, और नमक डाल दिया है, और प्याज ले ली है, और हरी मिर्च और ब्रेड ले ली है साथ में। और चलिए फ्रेंड्स करते हैं ब्रेड पकौड़े की तैयारी, और बनाते हैं इनके लिए गर्म गर्म जो है ब्रेड पकौड़े का नाश्ता। चलिए फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ तैयारी, क्योंकि फिर बैठ के बातें करेंगे। और यहाँ पर तनिषा ने आलू उबाल दिए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर आलू बड़े हैं, बड़े आलू हैं इसलिए कट कर बनाए हैं, और ये इन्हें छील देगी। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों माँ बेटी कर लेते हैं तैयारी अपने काम की, और फिर मिलते हैं और बात करेंगे। और इधर पूजा भी आ गई है, और चलिए भैया रसोई में करते तैयारी ब्रेड पकौड़ा की। ब्रेड पकौड़े थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा, और थोड़े से बनाने लगे जो है खाना कटलेट है ना, दोनों तरीके हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी, तो जिसे जो पसंद हो ले। तो फ्रेंड्स हमने
अपनी पिट्ठी को छौंक लिया है, इसमें डाली है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालकर हींग डाल दी है और अच्छे से बना दी है अपनी आलू की पिट्ठी। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं तैयारी ब्रेड पकौड़े की। और ये हमने अपनी हल्की सी कढ़ाई ले ली है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसमें डाल दिया हमने रिफाइंड और ये देखिए हमारा बेसन का घोल बहुत ही बढ़िया तैयार कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड कट कर लिया है और इसमें अपनी पिट्ठी लगा ली है आलू की और इसे ब्रेड को फोल्ड कर देंगे। और चलिए बेसन में डिप कर डाल देते हैं ऑयल में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फ्राई कर लेते हैं अपने रिफाइंड में। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, मैंने रिफाइंड डाला है। और बहुत ही बढ़िया और घर के टेस्टी बन जाते हैं ब्रेड पकौड़े। और घर के तो बात ही और है बनाने में, घर का नाश्ता सबसे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है और सभी बैठे हैं धूप में और बातें कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पलट दिया है और कितना करारा बन गया है। और घर पे बने हुए जो ब्रेड पकौड़ा है वो कितने अच्छे बनते हैं बाहर। तो ये देखिए, हमने बना दिए हैं गरम गरम ब्रेड पकौड़ा और कुछ बनाएंगे बाद में। अब हम इतने लेडीज पी लेते हैं चाय और जेंट्स यानी कि लड़के गए हैं नाज लेने दादरी। तो मेरे भैया और मैं प्रशांत और डिप्टी गए नाज लेने। इतने हम जो है सब चाय पीकर मिस कर लेते हैं, उनके लिए बाद में बनाएंगे। चलिए हम लोग चाय ले लेते हैं। अब तो यहाँ पे तो यही है और तो कोई यहाँ पे सामान देखना फ्रेंड्स, मेरी छोटी वाली बहन मेरी साड़ी पहनकर चेक कर रही थी। नहीं, फिर से बना रहे हैं ब्रेड पकौड़े। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं दोबारा और पेपर लगा दिया ताकि इसमें तेल जो है इसमें ना रहे। और यहाँ पर दूसरी बार बना रही हूँ, इन्हें पलट देती हूँ। मेहनत तो लगती है लेकिन स्वाद भी घर का अलग ही होता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और पहले अलग बनाए थे हमने, खाए थे, और अब बना रही हूँ मैं अरविंद और डिप्टी और प्रशांत और विवेक के लिए। तो हम भी खाएंगे वैसे, पर उनके लिए मैं बना रही हूँ गर्म गर्म, क्योंकि वो चले गए थे नाच लेने, क्योंकि वो ज्यादातर दादी से ही नाच जाते हैं। और सब्जी मंडी है दादरी और मार्केट भी बहुत अच्छी है, तो जो जाना चाहे जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरे छोटा भाई नाच लेने गया था दादरी, तो बच्चे भी गए थे साथ में जो आ गए हैं अब सब। और मैंने इनके लिए गरम गरम कच्चे दूध की चाय बना दी है और ब्रेड पकौड़ा बना दिए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं गरम गरम नाश्ता, क्योंकि ठंड हो रही है और हम बाहर धूप नहीं आ रही है अब, तो अंदर आ गए हैं सभी। और यहाँ पर सभी चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बहुत मन लग रहा है सबके साथ। तो भाई बहन मिलकर सभी बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है यहाँ पर मैं इनके लिए चाय घाल देती हूँ और इन्हें चाय दे देती हूँ, क्योंकि ठंड में चाय थोड़ी सी देर में ठंडी हो जाती है। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो है LCD में म्यूजिक चला रखा था, इसीलिए मैंने आवाज़ बंद कर दी है ताकि जो है हमारी जो है कॉपीराइट नहीं आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है चाय तो मैंने घाल दी है और इनके लिए ब्रेड पकौड़ा दे देती हूँ। देख सकते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े। पर पूजा बच्चों के लिए पैसे दे रही है और आशा ने भी दे दिए मुझे 650 रुपए, 500 मेरी साड़ी के और जो है 150 बच्चों के लिए। और मैंने यहाँ पर एक एक साड़ी एक एक जोड़ा और 100 रुपए आशा को दिए हैं और एक साड़ी एक जोड़ा और 100 रुपए पूजा को दिए हैं। चलिए अब कर रहे हैं जाने की तैयारी। और ऐसे ही जो है विदाई अरविंद ने जीजी को दी है 650 रुपए, 500 साड़ी के और 150 बच्चों के। और पूजा ने भी दी है बच्चों के और जीजी ने उनकी मिलाई कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये जीजी का सामान है, पैक हुआ रखा है, हमने खोला नहीं है। सेम सामान है मेरा और जीजी का।
यू भी है? हाँ, ये तुम्हारा है सारा। भगवान करना क्या हुआ? बंद करके आधा फैशन खत्म होगा तेरे मम्मी को पता है क्या कह रहा ना 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 और सच ना ना अपने टाइम की ब्यूटी सबके सामने हमारे सामने ना ना वो बोल रहे वो वकील है वहाँ के सुरेंद्र है नहीं काम रहे वो बोल रहे बैठ जाओ बैठ लो ठीक है बाय ठीक बाय। तो देखिए यहाँ पर जो है कार्ड भी दिए हैं और हमारे चाचा के लड़के की शादी है तो नाम क्या है निशु नितेश हाँ नितेश शर्मा पूनम और लड़की का नाम है पूनम और डिप्टी भी अपने सामान लेकर जा रहा है कट्टा रख ले बेटा तो चलिए भाई हमारा जो है काम खत्म हो गया है और अब जी जी बिचारी घर तो रात का समय हो रहा है और 6:45 हैं यानी कि 6 बजने में 15 मिनट और यहाँ पर जो है अब गेट लगा दिया जाएगा और चलिए हम भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ जो सामान हमारे पीहर से आया था ये है गज्जक का पैकेट और ये है तिल वाली तिल संगड़ी का पैकेट ये बहुत अच्छी लगती है बच्चों को और आप देख सकते हैं इसमें से बच्चों ने खा भी ली है और इसमें से भी और ये मूंगफली 2.5 किलो मूंगफली आई है और इसमें से थोड़ी सी बच्चों ने खा ली है और ये तिल संगड़ी का पैकेट है और ये है मसूर की दाल ये है काबली चने सफेद वाले और ये है चने की दाल ये है मूंग की दाल और ये हमारी 5 किलो पैकिंग वाली चीनी और ये पैकिंग वाले चावल तो देख सकते हैं नाम चावलों का। और तो फ्रेंड्स ये सूट तनिषा के लिए पहले आया था जो मैं आपको दिखा नहीं पाई अब दिखा दिया है मैंने और ये 500 रुपये मेरे भाई ने दिए हैं साड़ी के नाम के और ये 150 रुपये 50-50 रुपये तीनों बच्चों के और ये सुपारी सूट जो है तनिषा के पापा के लिए और देख सकते हैं कितनी बढ़िया सारा सामान। और चलिए फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बड़े बड़े आलू और ये बहुत ही बढ़िया आलू हैं और बिल्कुल फीके हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आलूओं को उबाल लेते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े आलू हैं आधे आधे कट करके इन आलू को उबालने के लिए रख देंगे क्योंकि हमने ब्रेड पकौड़ा बनाए हैं तो वहां पर बच्चे भी कह रहे थे कि हमारे लिए बुआ पैक कर देना तो मैंने वहां पर पैक कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स सर्दी हो रही है हम अपने लिए भी ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी ब्रेड पकौड़ा ही बना लो और फिर मैं थोड़ी सी कचौरी बनाऊंगी लेते हैं और इस सकड़ी आई है और ये वाली गज्जक और भगवान जी भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।